रायबरेली के सदर तहसील में उस समय हड़कंप मच गया जब एक न्यायालय का चपरासी वहां रखी हुई फाइलों को फाड़ना शुरू किया, साथ ही अपने उच्चाधिकारियों के लिए अभद्रता वाले शब्द भी प्रयोग करने शुरू किए। मामला सदर तहसील के तहसीलदार न्यायिक के कोर्ट का है। इस समय मैं मौजूद हूँ तहसीलदार सदर न्यायिक के कोर्ट के सामने। आप देख सकते हैं कि 13 नंबर कमरा है जहां पर न्यायालय तहसीलदार न्यायिक लिखा हुआ है, और इसी कमरे में जो घटना हुई है इसी कमरे के अंदर हुई है, और घटना के बाद फिलहाल इस कक्ष में ताला लगा दिया गया है और जो मजिस्ट्रेट थी वो मजिस्ट्रेट यहां से जा भी चुकी हैं। तो आपको पूरी बात बता दें कि जो यहां का चपरासी था उसका काम होता है रखरखाव, और जो डेट पर जो फाइलें होती हैं उन फाइलों को यहां लाकर रखना होता है। फाइलें यहां रखने के बाद की सुनवाई होती है, लेकिन लगभग 9 से 9:30 के बीच जब वो यहाँ पर चपरासी आया और फाइलों को नीचे लेके आया तो उसने फाड़ना शुरू किया, और फाड़ने के साथ ही जैसे गाली गलौज वाली शब्द भी जैसे सुनाई पड़े लोगों को। तो जो लोग हैं यहाँ पर जब लोग आए और उसको देखा तो उन्होंने उच्च अधिकारियों को सूचना दी। उच्च अधिकारियों को सूचना देने के बाद मौके पर SDM और उनके जो मातहत हैं यहाँ पहुँचे और कोतवाली पुलिस को सूचना दी। कोतवाली पुलिस जो चपरासी थी, आरोपी चपरासी थी, उसको यहाँ से ले गई हिरासत में लेकर कोतवाली में वहाँ बैठाया गया है। लेकिन सबसे खास बात कि जो फाइलें यहां से फटी हुई हैं वो फाइलों को कैसे रिकवर किया जाएगा। सबसे खास बात कि जो डेट लगी हुई थी, कुछ फाइलें ऐसी होंगी जहां पर जो आज हो सकता है उस पर आदेश पर लगी हो, दाखिल खारिज वाली फाइलें हों, इस तरह चीज़ें जो फाइलें हैं वो फाइलें जो है लगातार यहां पर पड़ी हुई थी, उनको फाड़ दिया गया है तो कैसे रिकवर होंगी। हमारे साथ एक सरकारी वकील हैं संतोष सिंह, आइए इनसे जानते हैं कि आखिर जो फाइलें फट गई हैं उनको कैसे रिकवर किया जाएगा। जी, फाइलें फिर से बनाई जा सकती हैं, बशर्ते थोड़ा समय लगेगा। फाइलें तो बन जाएंगी, फाइल तो चूंकि दर्ज होती हैं, ऑनलाइन होती हैं और उनके बैनामे होते हैं पक्षकारों को बुला करके। विडम्बना यह है कि सब एक साथ नहीं हो पाएगा, कुछ समय लगेगा बनाने में। जो डेट पर लगी थी जो चीज़ें, मतलब आज हो सकता है आदेश पर, वो कैसे? अब आदेश वाली बातें जो आज न्यायालय की फाइलें थी वो तो प्रभावित हो ही गई हैं, और अब ये है कि थोड़ा समय लगेगा सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना। जो वादकारी हैं वो जब तक मदद नहीं करेंगे तब तक हो भी नहीं पाएगा, वो जानकारी तो वही दे पाएंगे ना। तो वकील साहब का कहना है कि जो फाइलें हैं रिकवर हो सकती हैं लेकिन उनमें समय लगेगा, क्योंकि जो कागजात उसमें लगे हुए थे उन कागजातों को पुनः इकट्ठा करना, फिर उनको वेरीफाई कराना, जो पक्षकार हैं जो विपक्षकार हैं उन सबको विश्वास में लेना, ये कहीं ना कहीं टेढ़ी खीर तो साबित ही होगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर घटना हुई वो निश्चित तौर पर चौंकाने वाली, अभी तक जो है किसी भी तहसील में इस तरह की घटना अभी तक कारित नहीं हुई। फिलहाल जो आरोपी चपरासी है उसको पुलिस हिरासत में ले ली है। SDM सदर का कहना है कि मामले की पूरी जांच कराई जाएगी, जांच कराकर उस पर निश्चित तौर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक बात और प्रकाश में आई है कि उसके जो परिजन हैं वो परिजन आए थे, उनका कहना है कि 3 से 4 दिन तक वो घर नहीं गया है, वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से वो परेशान चल रहा था। फिलहाल सारे तथ्यों की जाँच कराई जा रही, जाँच के बाद ही ये तय हो पाएगा कि वो मानसिक रूप से परेशान होकर उसने काम किया या क्या मामला था, ये सब जाँच के बाद ही सामने आ पाएगा। रायबरेली से कैमरा पर्सन जमीन साथ पंकज सिंह, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।